में से मक्खी की तरह अनुपमा को निकाल देने वाले ये बाप और बेटी कैसे भूल गए अनुपमा के इतने बड़े एहसान को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज सच में ये बात कहने को मन कर रहा है कि अनुपमा कैसे दूध में से मक्खी की तरह अलग होगी और उसके बाद किसी ने उसकी बात ही नहीं पूछी जो अभी तक दिखाया गया। और ये अनुज और ये आद्या आज एक साथ में है तो किसकी वजह से है? ये जो बात करना बड़ा ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एक ऐसी औरत का एहसान मानने की जगह जिसको आज आपने दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाला हुआ है, आप उसी के खिलाफ चीजें कर रहे हो, आप उसी के सेंटीमेंट्स के साथ खेल रहे हो। तो वो टाइम कहां गया जब आपको कोई पूछता नहीं था, आप इंतजार करते थे कि कोई आए और हमें ले जाए? क्या वो टाइम नहीं रहा याद? वो बड़ा एहसान नहीं रहा याद? वो बड़ा प्रेम नहीं रहा याद? तो ये जो आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूं, मैं थोड़ा पास्ट में जाके ही इसकी चर्चा करना चाहूंगी। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने देखा है जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं वो अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करते हैं, या आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज IVF वगैरह करते हैं और अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, या किसी से बच्चे को अपने रिश्तेदार से या किसी से गोद लेते हैं बच्चे को, पहले ही बच्चे को बोल देते हैं यानी कि ये बच्चा मेरा होगा, जो भी भाभी हो या जो भी बहन हो उनसे बोल के रखते हैं। और फिर उनके लिए उनके मन में एक रिस्पेक्ट होती है, पूरी लाइफ के लिए एक ग्रेटिट्यूड होता है कि इनसे हमने बच्चा लिया, हम इनकी वजह से पेरेंट्स बने। और हमें बच्चों के लिए होता है हमें एक अच्छी लाइफ मिली, एक स्टेज पे बच्चों को आता है समझ, पिता को होता है कि यस मैं पिता बना इसकी वजह से, क्योंकि मुझे तो हम कपल को तो बच्चा हो नहीं रहा था, इन्होंने अपना इतना बड़ा दिल करके बच्चे को दिया। पहले ऐसा होता था तो वो इस चीज को मानते थे, हमारे अपने रिश्तेदारों में हुआ, आप सबको इस चीज का एक्सपीरियंस होगा जिनके घर पे ऐसा हुआ है, कभी मामी ने अपना बच्चा दे दिया, जिनके तीन बच्चे ऑलरेडी थे और चौथा बच्चा उन्होंने इसलिए कंसीव किया क्योंकि उनकी एक छोटी भाभी है जिनके बच्चा नहीं हो रहा, वो बच्चा उनका है। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है थोड़ा सा एक महीने का होता है तो एक रस्म होती है जिसमें वो गोद में देते हैं बच्चे को। तो यहां पे जिसने वो बच्चा गोद में दिया उसके लिए कभी जो है एहसान उनका कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा उनके लिए एक रिस्पेक्ट रहती है, सब कुछ रहता है। यहां पे अनुज को पिता बनाने वाली कौन थी? क्या छोटी थी? नहीं दोस्तों, अनुज को पिता की फीलिंग देने वाली छोटी थी, मगर अनुज को पिता बनाने वाली अनुपमा थी, छोटी को पेरेंट्स देने वाली अनुपमा थी। सबको याद होगा वो हनीमून का ट्रिप जिसमें अनुज ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि अडॉप्ट कर लेते हो, कर लेते हैं। तो यहां पे अगर अनुपमा किसी उसमें होती कि एकदम से हां कर देती कि मुझे अपने अनुज को खुश करना है, मगर उसने हां नहीं की, उसने समय लिया इस बात को लेके कि क्या मैं इस बच्चे की परवरिश कर पाऊंगी, क्योंकि उसको तो अब बच्चे की परवरिश करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, वो भी इस उम्र में जब चलने की भी तकलीफ हो जाती है लोगों को, मगर अनुपमा तो काफी फिट है, मगर फिर भी तकलीफ तो होती है, कहां छोटे बच्चे को उस उम्र में पालना जब आप एक यंग एज में होते हो, कहां इस उम्र में बच्चे को पालना, पीछे पीछे भागना आसान नहीं था अनुपमा के लिए। मगर उसको वहां पे
इस बच्चे के शक्ल को देख के जो भी उसको अपनी उसमें झलक दिखी, बच्चे के प्रति प्रेम अनुपमा में शुरू से हम देख रहे हैं, उस सारे सीन को उस तरह से देख के, अनुज की इच्छा को देख के कि मेरे अनुज खुश होंगे, क्योंकि अनुज खुद अनाथ आश्रम से आए हैं, इसलिए उनका मन है कि बच्ची को अडॉप्ट किया जाए, तो मैं मेहनत करूंगी अपने अनुज के लिए। जबकि उसका भी वो बाद में एहसान नहीं जताती है, अनुज को कहती है कि आपकी मर्जी नहीं थी, मेरी भी मर्जी थी उसमें, ताकि अनुज को वो गिल्ट ना रहे कि मेरी वजह से अनुपमा ने छोटी को अडॉप्ट किया। मगर कोर ऑफ हार्ट कहीं ना कहीं यही ही वजह थी। ऐसा नहीं था कि अनुपमा को एकदम से ये हुआ स्ट्राइक कि मैं कर लेती हूं छोटी को अडॉप्ट। तो उसने 2 दिन का टाइम लिया, और 2 दिन में छोटी कितने बार ही सोच में गए कि मुझे पता नहीं मेरे मम्मी पापा अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो ट्रॉमा छोटा नहीं होता है, और उस ट्रॉमा से बाहर निकालने वाली कौन थी? अनुपमा, जिसने छोटी को अडॉप्ट किया। अगर अनुपमा हां नहीं करती तो ये जो बाप बेटी आज ममता की धजियां उड़ा रहे हैं, ये जो बाप बेटी आज चीजें कर रहे हैं, ये नहीं कर पाते, साथ में ही नहीं होते। क्योंकि अगर अनुपमा हां नहीं करती तो अनुज भी नहीं अडॉप्ट करता। तो आज ये साथ में है तो अनुपमा की वजह से। तो कौन साथ में नहीं है? अनुपमा, जिसने इन दोनों को मिलाया। तो आज की डेट में इतनी बड़ी बात को भूल जाना एक बच्चे के लिए, खास करके अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किए हुए बच्चे के लिए, बहुत ही गलत बात है। क्या अनुज अपने कपाड़िया फैमिली को भूल पाया है? क्या जब अनुज कपाड़िया फैमिली में था, मुक्कू भी थी, अनुज भी था, तो हमने तो वो जर्नी देखी नहीं है? उस समय क्या चीजें हुई होंगी, क्या नहीं हुई होंगी? मगर अनुज के मन में वो फीलिंग नहीं आई, क्योंकि अनुज अच्छा बच्चा था। उसने नहीं सोचा होगा कि इसको प्यार ज्यादा मिला, मुझको प्यार कम मिला, क्योंकि बच्चों में ऐसा होता है भाई, 3-4 बच्चे हो तो ऐसी चीजें होती हैं। मगर उस एहसान को भूलकर इस बात को हमेशा याद रखना कि मेरी मम्मी ने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, और यही बात पिता का कहना, और फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, भी जाती हो तो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ये एहसान फरामोशी ही होती है। तो ये जो आज इनको हम साथ में देख रहे हैं, इस बात का इनको, अनुपमा को क्रेडिट देना चाहिए कि आज मेरे पापा मेरे साथ में है तो मम्मी की वजह से है। या फिर अगर छोटी को नहीं भी पता है ये बात, तो भी एडॉप्शन में दोनों की रजामंदी थी तभी एडॉप्ट किया गया था। अगर नहीं पता है तो अनुज को बतानी चाहिए थी इस पूरे प्रोसेस में कि बेटा आज अगर तुम मुझे पापा कह पा रही हो तो तुम्हारी मम्मी ने ही हां की थी, तो मम्मी आज कैसे आपको ऐसे कर सकती है? एक बार भी कोशिश की है अनुज कपाड़िया ने? मुझे नहीं लगता, क्योंकि होती तो आज ऐसी नहीं होती। क्या एक बार भी? बहुत बार बोला मैंने कि कोशिश की है उस एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने की, एक बातों में कि ऐसे होता है बेटा, हो जाता है। बच्चों को समझाओगे तो बच्चे समझेंगे ना। आप इस डर से बैठे रहोगे, अरे अरे इसको पैनिक अटैक ना आ जाए, इसको पैनिक अटैक ना आ जाए, तो इससे बच्चे क्या समझेंगे? ना तो उसको आपने किसी काउंसलर से ट्रीटमेंट करवाई, ना आपने खुद उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। बैठ गए बस एक साइड में लेके कि मेरी बच्ची ने बहुत कुछ सहा है भाई। तो बहुत सारे सवाल हैं इस बाप बेटी पे, और ये जो आज की जो चर्चा है, ये स्पेशली उस सीन को मुझे बार बार याद दिलाती है कि अगर अनुपमा हनीमून के ट्रिप में छोटी के लिए हां नहीं करती तो ये आज एक साथ नहीं होते, जिस चीज को दोनों ही भूल चुके हैं। तो मुझे तो ये लगा दोस्तों, बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.